मोर पंख के ये चमत्कारिक उपाय वास्तु दोष के साथ राहु की छाया से भी दिलाते हैं मुक्ति। मोर और उसके पंख देखने में तो बहुत सुंदर होते ही हैं। हिंदू धर्म में भी इनका बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर धारण करते हैं। मोर पंख के बिना कृष्ण जी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। मैया यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने पर उनके माथे पर मोर पंख अवश्य लगाती थी। अन्य देवी देवताओं को भी मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। कुमार कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। ज्योतिष में भी मोर पंख का बहुत महत्व माना गया है। इससे जुड़े कुछ उपाय करने से आप वास्तु दोष, राहु दोष, यहाँ तक कि बुरी नजर से भी छुटकारा पा सकते हैं। जानते हैं मोर पंख के चमत्कारिक उपाय। मोर पंख ग्रह दोष से मुक्ति दिलाता है। अगर आप किसी भी तरह से ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो मोर पंख लेकर 21 बार ग्रह मंत्र बोलने के बाद उस पर जल की छींटे मारें। अब मोर के पंख को किसी ऐसे स्थान पर रखे दें जहां से उस पर नजर पड़ती रहे। इसी तरह से अगर आपको राहु परेशान कर रहा है तो मोर पंख को घर की पूर्व दिशा की दीवार या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाएं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो मोर पंख लाकर रखें। वास्तु के अनुसार घर में मोर पंख रखने से वास्तु दोष के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, जिससे आपको वास्तु दोष के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप शत्रुओं से परेशान रहते हैं तो हनुमान जी के माथे का सिंदूर लेकर उससे एक मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें और उसे पूजा स्थल पर रख दें। सुबह उठकर मोर पंख को बहते पानी में बहा दें। ये उपाय मंगलवार या शनिवार की रात को करना है। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी।